इवन आज हम बनाएंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रमजान शरीफ के महीने में, हर रोज़ ही पकौड़ी वगैरह से खाने के लिए। अब चटपटा बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा तीखा हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमने ले लिए हैं ये टमाटर, हमने काट लिए हैं, ये आधा किलो से ज़्यादा टमाटर हैं, आप अपने हिसाब से ले लें। और ये एक छोटी सी प्याज हमने ले ली है, इसका टुकड़ा ले लिया है। और ये चिली फ्लेक्स लिए हैं, आपकी सवा पाउडर या साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं, नमक। और ये हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये थोड़ा सा डालेंगे हम, आधा चम्मच लिया है हमने विनेगर एक कटोरी भर के, छोटी कटोरी है हमारी, एक कप के बराबर होगा। और ये हमने ले लिया आधी कटोरी चीनी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने पैन ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम टमाटर। ये हमने थोड़े मोटे मोटे ही काट लिए क्योंकि पक जाएंगे, उसके बाद में इनको पीसना है हमें। और इसके साथ हम डाल देंगे प्याज भी। और अब हम डाल देंगे जो मिर्ची और जो नमक लिया है हमने वो इसमें डाल देंगे हम। और अब डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, बस थोड़ा सा ही डलेगा बस। और अब डाल देंगे इसमें हम एक कटोरी जो हमने विनेगर लिया है वो। और ये आधा कटोरी भर के जो हमने चीनी ली है वो चीनी इसमें डाल दी। और अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से चला के और ढक के रख देंगे इसको हम। टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, सब अच्छे से पक जाएगा। फिर 15-20 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, फिर बाद में देखते हैं। ये देखिए गैस हमने बंद कर दिया है और चीनी की वजह से कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है टमाटर का। और हम इसको हम ठंडा कर लेंगे, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप देख सकते हैं ये देखिए। और एक प्लेट में निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में हम पीस लेंगे। इस तरह से इसको फैला देंगे, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा ये बनेगा सॉस। अब देखिए इसको पीस लेंगे, ठंडा हो गया है हमारा सॉस। ये सॉस को हमने पीस लिया है और अब हम छन्नी में डाल के छान लेंगे। ये देखिए सॉस को हमने छान लिया है, कितना मज़ेदार टेस्टी सॉस हमारा बना है। तो ये सॉस आप तैयार करिए रमज़ान शरीफ में चाट पकौड़ों के साथ खाने के लिए, बहुत अच्छा बन जाता है ये घर में और बहुत कम पैसों में बन जाता है, बहुत मज़ेदार। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग।